अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनका दिमाग चुरा लिया गया था और इसके बारे में आइंस्टाइन को पहले से पता था कि उनकी डेथ के बाद रिसर्च की जाएंगी साइंटिस्ट के जरिए, और आइंस्टाइन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लेकिन 18 अप्रैल 1955 में आइंस्टाइन ऊपर चले गए, डॉक्टर थॉमस ने उनका दिमाग चुरा लिया और लोग ये भी नहीं जानते हैं कि उन्होंने आइंस्टाइन की आंखें भी निकाल ली थी, जिसके बाद उनके दिमाग को बांट दिया गया, वो भी 240 टुकड़ों में, और फिर जार में रख दिया गया और कई सालों तक उसे संभाल कर रखा गया ताकि आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करके उनकी इंटेलिजेंस का राज पता लगा सके। फिर चोरी होने के 23 साल बाद ही 1978 में स्टीवन लेवी ने डॉक्टर थॉमस को ढूंढा कि वो आइंस्टाइन के दिमाग के साथ विचिटा सिटी में थे, और फिर आइंस्टाइन का दिमाग प्रिंसटन मेडिकल सेंटर में था जहां कोई भी उसे नहीं देख सकता था क्योंकि किसी को भी उसकी परमिशन नहीं थी। लेकिन आइंस्टाइन के दिमाग के 46 टुकड़े आप द मटर म्यूजियम में देख सकते हैं।